सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पे क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ सर्कल गरारा कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ये मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है और ये मैं 10-12 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ। आपको बड़ा बनाना है तो आपको 2 मीटर कपड़ा लेना होगा। मैंने ये 1.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। लंबाई में से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी ऊपर की जो हम कमर की लूजिंग लेंगे, तो यहाँ से हम ये 16 इंच तैयार रखेंगे, तो 16 का आधा हम 8 इंच लेंगे। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसकी गुलाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लंबाई देख लेंगे। ये 26 इंच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको इसी कपड़े में से थोड़ी सी लंबाई बढ़ानी है तो यहाँ पे आप इसमें जोंट लगा सकते हैं। मैं इसको इतना ही रखूँगी और यहाँ से मैं इसमें गुलाई दे लूँगी। देखिए इस कोने से ये कितना बैठता है, यहाँ पे देखिए ये इस कोने से ये 36 इंच बैठ रहा है, तो यहाँ पे हम 36 इंच पे गुलाई दे लेंगे। और यहाँ पे हम इस निशान को गहरा कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये बंद की साइड है। और अब हम यहाँ से इसमें आसन का निशान लगाएंगे। देखिए इधर खुले की साइड में हम ये आसन का निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए हम 2 इंच इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे हम ये 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हम इसमें गुलाई दे देंगे यहाँ पे। ये हमने आसन कट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने ये फोल्ड कर लिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसी के बराबर में हम एक और कट कर लेंगे। ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों साइड की बेल्ट की कटिंग हो गई है। ये देखिए इसके बाद इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये नीचे का घेर फोल्ड करेंगे। और ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ फोल्ड करने का। देखिए कहीं पे भी आपको गुलाई में फोल्ड करना हो तो आप उसको पहले एक बार फोल्ड करें और उस पर सिलाई लगा लें। कहीं पे भी आपको गुलाई में और बारीक फोल्ड करना है तो पहले एक बार फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से बहुत ही इजी तरीका है ये फोल्ड करने का, गुलाई वाला जो घेर होता है उसको फोल्ड करने का।
और इसके बाद हम इसको यहाँ से एक बार फोल्ड और करेंगे। इसी साइड से फोल्ड करना है, कहीं पे भी आपको गुलाई वाला घेर फोल्ड करना है और बारीक फोल्ड करना है तो आप ऐसे ही उसको फोल्ड करें। ये बहुत ही सफाई से फोल्ड होगा और इसमें सलौटे भी नहीं आएंगी, तो इसलिए हमने एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब इसको हम दोबारा फोल्ड कर रहे हैं और इस पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम इस पे गोटा लगाएंगे। यहाँ पे ये मैंने गोटा लिया है और इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमने एक साइड में गोटा लगा लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी गोटा लगा लेंगे। दोनों साइड का गोटा हमने लगा लिया है। अब इसका हम आसन जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम दोनों साइड का आसन इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड का आसन पे भी सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड के आसन पे सिलाई लगा ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बीच की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम आसन पे सिलाई रोक देंगे और अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से भी हम आसन पे ही रोक देंगे। इसके बाद हम इस पे एक सिलाई और लगाएंगे चारों तरफ और इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका बहुत ही सुंदर हमने ये घेर बना लिया है नीचे का। और इसके बाद हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। यहाँ पे ये जो हमने बेल्ट के लिए कपड़ा कट किया है इसको हमने दोनों साइड से सिल लिया है और इसको हम यहाँ से आसन की सिलाई से जॉइंट करना शुरू करेंगे और यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे।
देखिए बेल्ट हमने इसमें जॉइंट कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें इलास्टिक लगाएंगे। देखिए ये मैंने इलास्टिक ली है और यहाँ से इसको मैंने जॉइंट कर लिया है। और इलास्टिक आपको अपनी फिटिंग के हिसाब से लेनी है, जैसे आपकी फिटिंग से कम 2-3 इंच कम रखनी है। ये थोड़ी सी टाइट रहनी चाहिए और इसको हम ये आसन की सिलाई से जॉइंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और इसके बाद यहाँ से हम इसको मोड़ेंगे और ये सिलाई है जो नीचे की सिलाई है इसको भी हम अंदर की साइड मोड़ देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी इलास्टिक है जो सिलाई में नहीं दबनी चाहिए। इलास्टिक के नीचे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे खींचेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है चारों तरफ एक जैसा हो जाएगा। ये चारों तरफ बराबर आ जाएगा खींचने के बाद में, तो इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे। और इसके बाद हम इसमें एक बीच सेंटर में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे बीच सेंटर में और यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा दोनों साइड से खींचना है। पीछे की तरफ भी आपको खींचना है और आगे की तरफ से भी आपको खींच के सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगानी है आपको और यहाँ पे हम रोक देंगे। फिर वापस हम इसको खींचेंगे। आपको इतना खींचना है जो ये कपड़े की सलोट है ये सलोट मिट जानी चाहिए। आपको इतना टाइट खींच के इस पे सिलाई लगानी है। देखिए इलास्टिक लगा के हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया है और ये हमारा सर्कल गरारा एकदम कंप्लीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सर्कल गरारा हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने इसमें इलास्टिक लगा के कंप्लीट कर ली है और आप भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको ये पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें और प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ आप और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।